मतलब कि वो टेंपल ऑलरेडी घूम रहा है और हम यहाँ पे आए हैं गणेश टेंपल जो प्राचीन काल के समय से चला आ रहा है। प्राचीन काल के समय से ये टेंपल है, मूर्ति भी प्राचीन के समय से ही है। अब देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे मिठाइयाँ पेड़े हैं। मम क्या चीज़ है भैया ज़रा बताइए क्या है? तो खांसी हो रही। तो ये रही पूरी नज़ारा जो है बाहर का, ये ऐसा दिखता है। चलिए कुछ दूसरे दिखाते हैं। मुझे मेरे कार वाले ड्राइवर भैया ने कहा कि ये प्राचीन काल के समय से जो अंदर की जो मूर्ति है ना वो प्राचीन के समय से रखी हुई है। पता है भैया ने क्या कहा? जो मूर्ति है ना वो प्राचीन के समय से रखी हुई है, आज की नहीं है, प्राचीन काल के समय की मूर्ति है। तो अंदर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। चलिए मिलते हैं, देखते हैं आप अंदर में जाकर। तो एक टेम्पल वहाँ भी है। तो मम्मी और दीदी गई है मैं स्वीट लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, जो प्रसाद चढ़ाए जाएंगे। मास्क को बने बस है, एक्स्ट्रा मास्क है। आप देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालु हैं जो यहाँ रुक कर मन्नत मांग रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मन्नत भी मांग सकते हो। बहुत ही पुराना टेंपल है, प्लस यहाँ पे हर किसी की मन्नतें पूरी होती है। तो ये इधर प्रसाद लेकर आ चुकी है ऑलरेडी। चलो मिला। यहाँ पे प्रोसेस है कि हम लोगों ने मोदक लिया है। अच्छा, तो ये 600 रुपये किलो की है। अच्छा, और पीस के हिसाब से मिलती है ये। कितना एक पीस? 25 रुपए की एक पीस है, अगर अच्छा। पीस के हिसाब से लोगे तो। अच्छा, ये यहाँ के स्वीट्स है, बट जो प्रसाद है कोकोनट वो ये लोग रिटर्न नहीं देंगे, मुझे तो खाना था। अच्छा, ये मतलब ये वापस रख लेंगे? हाँ, वो रख लेंगे। चलो कोई बात नहीं, फूल भी ले, माला ले लेती, अच्छा होता। कितना ऊँचा है यहाँ पे? आ जाओ मम्मी, आ जाओ। सच में काफ़ी बहुत ही मज़ा आ रहा है, आनंद भी आ रहा है, दिल भावुक सा हो गया है, क्योंकि जहाँ पे भगवान ईश्वर की बात आती, श्रद्धा की बात आती, वहाँ पे तो लाजमी है। तो ये रही वो ब्यूटीफुल सा टेंपल। तो इसी टेंपल की मैं बात कर रही थी, इसी मूर्ति की बात कर रही थी जो प्राचीन काल के समय से है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी भावुक दिख रहा है, आप देख सकते हैं। सेल्फी अलाउड नहीं है, बस वीडियो पिक ले सकते हैं आप। तो जो ये मन्नतें मानते हैं उसके लिए। चलो तो पूजा हमारी हो चुकी है और हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। आ जाओ। तो सब आ रहे हैं धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ देखकर। तो ये एल्बेट्रो हॉल है। तो देखते हैं क्या एक्चुअली टाइमिंग तो बंद की हो गई है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉर्ड होता है ना बहुत जल्दी बंद हो जाती है। देखते हैं अगर खुला हुआ हो तो मैं वीडियो बना सकूँगी।